हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पवन नागर और आज हम आपसे बात करेंगे फेशियल आर्टरी के कोर्स और इसकी ब्रांचेस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके बात करते हैं कोर्स के बारे में। ओके, तो इसके बारे में कोर्स। ओके, कोर्स में क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है ये अराइज कहाँ से होती है, अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ओके, अराइज फ्रॉम एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इन नेक रीजन, इन नेक। ओके, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा इन नेक एट द लेवल ऑफ ग्रेटर कोर्नू। दिस इज ग्रेटर कोर्नू ऑफ हायोड बोन। ओके, ग्रेटर कोर्नू ऑफ हायोड बोन मतलब क्या, मतलब ये है कि ये अराइज होगी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से इन नेक रीजन के अंदर। और लेवल क्या होगा जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से अराइज हुई। ओके, तो उसका लेवल क्या होगा, लेवल होगा ग्रेटर कोर्नू ऑफ हायोड बोन। देखिए, हायोड बोन के दो कोर्नू होते हैं ना, लेसर कोर्नू और ग्रेटर कोर्नू, तो इसका लेवल होगा ग्रेटर कोर्नू ऑफ हायोड बोन। ओके, इसका सेकेंड पॉइंट होगा हमारे लिए, तो देखिए सेकेंड पॉइंट पाते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा आफ्टर, देखिए यहाँ से अराइज हुई ग्रेटर कोर्नू ऑफ हायोड बोन के लेवल से, इसके बाद आफ्टर लूप्ड कोर्स। इसका लूप कोर्स होता है लूप्ड कोर्स इन सब मैंडिबुलर रीजन। ओके, इंटर द फेस मतलब क्या होगा, सब मैंडिबुलर रीजन में लूप्ड कोर्स करके नीचे की तरफ जाएगी और नीचे की तरफ जाके फेस में एंटर करेगी। इंटर द फेस बाय वाइंडिंग by winding around the lower border of mandible। क्या करेगी, winding around the lower border of mandible मतलब सब मैंडिबुलर रीजन के बाद मैंडिबल बोन के नीचे से राउंड अप करेगी, winding around the mandible। ओके, एट एंटीरो एंगल ऑफ मेजेटर मसल्स होती है ना, MWSETE। देखिए, हम सारा सारा भी एक्सप्लेन करेंगे। एंटीरो मेजेटर बाय पियर्सिंग PIERCING investing layer of deep cervical fascia investing layer of deep cervical fascia। मतलब क्या है, आप देखिए, अब इन सबका मतलब समझते हैं। देखिए, बेसिकली हमने आपको, दिस इज मैंडिबल बोन। ओके, तो देखिए मैंडिबल बोन में हमने आपको यहाँ पे बताया था कि देखिए दिस इज यहाँ पे होती है लिंगुअल नर्व। ओके, और लिंगुअल नर्व कौन किसको फॉलो नहीं करती, आर्टरी को फॉलो नहीं करती। ओके, तो देखिए दिस इज मेजेटर बोन। ओके, दिस इज मेजेटर बोन। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आफ्टर द लूप्ड कोर्स इन सब मैंडिबुलर रीजन मतलब सब मैंडिबुलर रीजन में इसका क्या होगा, लूप्ड कोर्स होगा, सब मैंडिबुलर रीजन में लूप्ड कोर्स होगा। इंटर द फेस बाय वाइंडिंग अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल मतलब फेस में इंटर करेगी, इंटर द फेस बाय वाइंडिंग अराउंड द लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल मतलब फेस में इंटर कब करेगी, जो मैंडिबल बोन इसका लोअर बॉर्डर है ना, मतलब यहां से वाइंड करेगी, मतलब ऐसे जाएगी फिर नीचे से ऊपर, मतलब वाइंड करेगी ना यहां से, ऐसे जाके न्यू जाएगी, मतलब वाइंड अप कर रही है। तो लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल एट एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मेजेटर, कहां पे, एट एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मेजेटर। देखिए दिस इज मेजेटर मसल्स। ओके, मेजेटर मसल्स, तो यहां पे क्या होगा, एंटीरो, देखिए
मैंडिबल बोन की रियल पोजीशन ऐसी होगी ना, रियल पोजीशन नहीं होगी, तो एंटीरियर मतलब आगे की साइड और इन्फीरियर मतलब नीचे की साइड, तो इसका एंटीरियर इन्फीरियर एंगल ये वाला होगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी और ऊपर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये लाल लाल शो किया हुआ है, दिस इज फेशियल वेन। देखिए यहाँ पे फेशियल वेसल्स दिख रहा है ना, यहाँ पे फेशियल सॉरी फेशियल वेसल दिख रहा है, ओके। तो देखिए ये लाल लाल क्या है, फेशियल वेसल्स है, मतलब पीछे से आई, पीछे दिस इज सबमेंडिबुलर, दिस इज सबमेंडिबुलर रीजन होगा ना ये, देखिए यहाँ पे लिख रहा है सबमेंडिबुलर रीजन, सबमेंडिबुलर रीजन होगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी, वाइंड अप करेगी, वाइंड अप करने के बाद जो मेजर मसल है उसका एंटीरियर इन्फीरियर एंगल से ऊपर की तरफ जाएगी और कहाँ एंटर करेगी, फेस में एंटर करेगी। तो देखिए यहाँ पे लिख रहा है एट एंटीरियर इन्फीरियर एंगल ऑफ मेजर, ओके, एंटीरियर इन्फीरियर एंगल ऑफ मेजर। तो उसके बाद क्या करेगी, पियर्स करेगी ना, देखिए इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया कनेक्शन क्या होता है, ये पूरा का पूरा लोअर बॉर्डर होता है ना, लोअर बॉर्डर यहाँ पे होता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब देखिए ये नीचे से ऊपर आई, नीचे से ऊपर आएगी तो बेसिकली इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया को पियर्स करेगी, उसी के बाद ही ये फेस में आएगी, ओके। तो ये हो गया इसका कोर्स हो गया। उसके बाद देखिए इन फेस जो कि होता है ना, इन फेस, फेस के अंदर इन फेस पास टोल्टो सॉरी टोल्टियोसली मतलब क्या, ये फेस में मतलब ऐसे घुमावदार पास करती है, मतलब घूम घूम के पास करती है, क्यों, क्योंकि देखिए आपको बताओ का मसल सब फेशियल एक्सप्रेशन होती है, ओके। अब देखिए वो कभी हमने कभी गाल फुलाए या फिर गाल ढीले किए, लूज की मतलब मसल्स का मूवमेंट हुआ, तो देखिए जो फेशियल मसल्स की जो एरिया है सरफेस एरिया के साइज में कम ज्यादा होगा ना, सरफेस एरिया कम और ज्यादा होगा, कम और ज्यादा होगा। अगर ये आर्टरी एकदम सीधी होती, कम ज्यादा एरिया हुआ तो आर्टरी खींचेगी और सॉरी खींचेगी और छोटी होगी, खींचेगी और छोटी होगी, मतलब टूट सकती है। तो उस टूटने का बचाने के लिए क्या किया, इन फेस रीजन ये पास करती है टोल्टोरियसली मतलब घुमाओ लूप्स के ऐसे लूप के रूप में पास करती हैं, ओके। तो ये तो क्या फेशियल आर्टरी के कोर्स के बारे में, ओके। अब हम बात करते हैं इसकी ब्रांचेज, तो देखिए इसकी ब्रांचेज के बारे में बात करें तो देखिए इसकी दो ब्रांचेज को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्यों, एक होता है इसका सर्वाइकल पार्ट, क्या होता है, एक इसका होता है सर्वाइकल पार्ट और एक होता है इसका फेशियल पार्ट, ओके, एक होता है इसका फेशियल पार्ट, ओके। तो देखिए सर्वाइकल पार्ट मतलब ये कहाँ पे होगी, टोन्सिल्स के आगे पीछे होगी, पैलेट्स के आगे पीछे होगी, मतलब उसके नियर अबाउट आसपास ही होगी ना। तो सर्वाइकल में इसकी फर्स्ट ब्रांच होती है असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, ओके। सेकेंड ब्रांच कौन सी होगी, सेकेंड ब्रांच होगी इसकी टोन्सिलर आर्टरी, ओके। थर्ड ब्रांच कौन सी होगी, इसकी होगी ग्लैंडुलर ब्रांच, ओके। फोर्थ ब्रांच होगी इसकी सबमेंटल आर्टरी, और पांचवी होगी इसकी मस्क्यूलर ब्रांच, ओके। मस्कुलर ब्रांच कैसे, देखिए जब ये इन सर्वाइकल रीजन में रन करती है तो देखिए कोई का मसल्स है तो इसके ऊपर रन करेगी, तो मतलब इसके आसपास की जो जो मसल्स होगी उनको सप्लाई करेगी, कौन सी ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच, ओके। असेंडिंग पैलेटाइन देखिए कहाँ सप्लाई करेगी, पैलेट को सप्लाई करेगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक काम की बात है, टॉन्सिलर आर्टरी, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में खास बात क्या है, इसके बारे में स्पेशल बात यह है कि इससे क्वेश्चन आते हैं, और बात यह है कि दिस इज द मेन आर्टरी ऑफ टॉन्सिल, ओके, मतलब टॉन्सिल्स को सप्लाई करने वाली ये मेन आर्टरी है, एंड द टॉन्सिलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सर्वाइकल पार्ट ऑफ फेशियल आर्टरी, ओके। उसके बाद देखिए ग्लैंडुलर में क्या होगा, ग्लैंडुलर में सप्लाई करेगी किसको, ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, ओके। देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड को क्यों करेगी, देखिए हमने यहां लिखा था ना, देखिए हमने आपको पहले बता दिया सब मैंडिबुलर रीजन में ये पास करती है, तो इसमें पास करेगी मतलब किसको सप्लाई करेगी, सब मैंडिबुलर ग्लैंड को, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड को ये सप्लाई करेगी, ओके। उसके बाद सब मेंटल किसको सप्लाई करेगी, सब मेंटल सप्लाई करेगी फॉरवर्ड मसल्स को, मतलब जो भी है सब मैंडिबुलर सॉरी मसल्स को भी करेगी और ग्लैंड्स को भी करेगी, ओके। इसके बाद आते हैं फेशियल पार्ट पे, तो फेशियल पार्ट की इसकी चार ब्रांचेज होती है, चार ब्रांच कौन सी, एक होती है इसकी इन्फीरियर
लेबियल आर्टरी, ओके, एक होगी इसकी सुपीरियर, लेबियल मतलब लिप्स, ओके, मतलब नीचे वाले लिप्स को सप्लाई करेगी इन्फीरियर लेबियल, एक होती है इसकी सुपीरियर लेबियल मतलब अपर लिप को, आर आई ओवा सुपीरियर, सुपीरियर लेबियल आर्टरी। नंबर थर्ड होगी इसकी लेटरल नेजल, एल ए टी ई आर ए एल, ओके, एन ए एस ए एल। देखिए नाम से पता लग रहा है ना, सुपीरियर लेबियल, देख यहाँ पे होता है लोअर लिप, फिर होगा अपर लिप, फिर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे होगी नोज, ओके। तो देखिए ये आर्टरी ऐसे रन करती है, ओके, नीचे से ऊपर ऐसे जाएगी, नीचे से ऊपर सप्लाई करेगी लोअर लिप को, फिर सप्लाई करेगी अपर लिप को, ओके, उसके बाद सप्लाई करेगी, ये नोज है, नोज सेंटर में होती है, तो इसके जस्ट लेटरल है, तो कौन सी होगी, दिस इज लेटरल नेजल आर्टरी, ओके। तो लेटरल नेजल आर्टरी। नंबर फोर्थ ब्रांच होगी इसकी मस्कुलर ब्रांचेज, मस्क्यूलर ब्रांच जो सप्लाई किसको करेगी, मसल्स को सप्लाई करेगी। और नंबर पांचवी ब्रांच होती है उसे बोलते हैं हम एंगुलर आर्टरी, एंगुलर आर्टरी। देखिए एंगुलर आर्टरी क्या है, दिस इज द टर्मिनल, दिस इज द टर्मिनल ब्रांच, दिस इज अ टर्मिनल ब्रांच, ओके। एंगुलर आर्टरी क्या है, टर्मिनल ब्रांच, और इससे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टर्मिनल ब्रांच कौन सी। देखिए सारी आर्टरीज की टर्मिनल ब्रांच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी आर्टरी की कोई सी भी टर्मिनल ब्रांच पूछी जा सकती है। उसके बाद एक बात समझने लायक कि देखिए यहाँ पे है लेटरल नेजल, हमने यहाँ बोला लेटरल नेजल आर्टरी, जबकि एक आर्टरी होती है डोर्सल नेजल आर्टरी, ओके, एंड द डोर्सल लेटर होती है डोर्सल, डोर्सल नेजल आर्टरी, ओके। तो देखिए लेटरल नेजल तो किसकी ब्रांच है, दिस इज द फेशियल पार्ट ऑफ फेशियल आर्टरी, जबकि डोर्सल नेजल किसकी ब्रांच है, दिस इज द ब्रांच ऑफ, दिस इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक, दिस इज द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, कौन सी, डोर्सल नेजल आर्टरी, ओके। तो आपको कंफ्यूजन ना होगा, ओके। तो देखिए सुपीरियर लेबल, मतलब देखिए पांच ब्रांचेज है सर्वाइकल पार्ट की, पांच ही ब्रांचेज है इसकी फेशियल पार्ट की, ओके। कॉमन क्या है, दोनों में मस्कुलर ब्रांचेज कॉमन है। उसके अलावा देखिए यहाँ पे चार ब्रांचेज है, असेंडिंग पैलेटाइन, टॉन्सिलर आर्टरी, देखिए आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए सारे ब्रांचेज के नाम, क्यों, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, टॉन्सिलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लेबल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेशियल आर्टरी। इसके बाद एक बात हम भूल ही गए, सो मेन बात थी क्या कि देखिए फेशियल जो की होती है ना फेशियल आर्टरी, ओके, फेशियल आर्टरी से बोलते हैं एनेस्थेटिक आर्टरी, ओके, मतलब एनेस्थी, देखिए नॉर्मली एनेस्थीसिया कहाँ देते हैं, नर्व में देते हैं, तो एनेस्थीसिया मतलब रिलेटेड अगर कोई टर्म आई तो हम क्या समझेंगे, नर्व समझेंगे, लेकिन इसे बोलते हैं हम एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थेटिक आर्टरी, ओके, एनेस्थेटिक आर्टरी क्या है, देखिए यहाँ पे लिख रहा है एनेस्थेटिक्स आर्टरी, मतलब क्यों, क्योंकि जो नॉर्मली हेड एंड नेक की सर्जरी होती है इसको एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक आर्टरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब नॉर्मली हेड एंड नेक की सर्जरी होती है तो जो एनेस्थीस जो कि एनेस्थीसिया देने वाला होता है वो बेसिकली इस फेशियल आर्टरी को पेल्पेट करता है, कहाँ पे पेल्पेट करता है, इसे पेल्पेट करता है, यहाँ पे है देखिए कहाँ पेल्पेट करता है, एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मेजेटर, ओके, कहाँ पेल्पेट करता है, मैंने एनेस्थीसिया देने वाला इसे एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मेजेटर, और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फेशियल आर्टरी को कहाँ पे पेल्पेट किया जाता है, एंटीरो इन्फीरियर एंगल ऑफ मेजेटर मसल्स में, और ये कहाँ पे होती है, इसके इसमें भी कहाँ पे, इसमें भी लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पे इसे पेल्पेट किया जाता है। उसके अलावा देखिए इसका एक क्लिनिकल्स है, सेकंड क्लिनिकल्स क्या होगा, एक क्लिनिकल्स होगा टोटोरियस, मतलब ये घुमावदार पाथवे में रन करती है, मतलब क्या होगा, वही कि जो मसल्स की स्ट्रेचिंग होगी उसको स्ट्रेचिंग होगी तो ये आर्टरी टूटे ना, उसे प्रिवेंट करने के लिए इसका टोटोरियस पाथ होता है, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेशियल आर्टरी, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।